देखिए स्टूडेंट्स, हम फिजिक्स का टॉपिक लेके आए हैं आज आपके लिए, क्लास ट्वेल्थ फिजिक्स। और ये हम आज निगमन करेंगे, 1/f = 1/u + 1/b का निगमन करेंगे दर्पण के लिए। जाहिर है प्लस है तो दर्पण के लिए ही होगा, क्योंकि प्लस का फार्मूला दर्पण में लगता है। तो इसके लिए हम इसका निगमन करेंगे। कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हमने क्या करा, अवतल दर्पण बना लिया। सबसे पहला काम हमने क्या किया, अवतल दर्पण को बना लिया। ये अवतल दर्पण हो गया। अवतल दर्पण में बाहर की साइड में पॉलिश होती है, तो बाहर की साइड में ये पॉलिश हो गई। ये हो गया हमारा मुख्य अक्ष, ये हो गया यहाँ पर ध्रुव, ये ध्रुव हो गया। यहाँ पर हो गया हमारा फोकस, ये हो गया हमारा सी वक्रता केंद्र, और ये हो गया यहाँ इन्फिनाइट। और इन दोनों के बीच हमने रख दिया है आपका ऑब्जेक्ट। अनंत और वक्रता के बीच हमने कोई ऑब्जेक्ट को रख दिया यहाँ पर। अब इस ऑब्जेक्ट से लाइट चली, तो लाइट जब ऑब्जेक्ट से जाएगी तो कहाँ जाएगी भाई, फोकस से जाएगी। ये फोकस से चली जाएगी, फिर ठीक इसी प्रकार से एक लाइट रे कहाँ गई, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। एक लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, ये जिस तरीके से जाएगी इससे रिटर्न होके रिफ्लेक्ट हो जाएगी, माने टकरा के रिफ्लेक्ट हो जाएगी। यहाँ पर क्या हुआ, इमेज बन गई। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया ए डैश, ये हो गया बी डैश। यहाँ पर एंगल 90, ये एंगल दोनों सेम होंगे, ये वाला एंगल भी 90। यहाँ से हमने क्या करा, इस पर लंब गिरा दिया। लंब गिराया तो ये जो P है, ये जो P है इससे थोड़ी दूर, भाई देखो इससे कुछ दूर, यहाँ पर ये M हो गया और ये कुछ थोड़ा सा भी अंदर की साइड में ये N हो गया। मैंने लंब, चूंकि ये मुड़ा हुआ है ना, तो ये जो है जब आप लंब वर्टिकल लाइन खींचेंगे तो ये थोड़ी सी दूर गिरेगी, इससे इसके पास नहीं आएगी। अगर इसका झुकाव कम होता जाएगा तो ये इसके पास आ जाएगी। इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया M1, इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया M2, और ये हो गई मुख्य अक्ष। इसको कहेंगे मुख्य अक्ष, ये है ध्रुव। ध्रुव माने पोल, क्या कहेंगे, पोल। ये मेन एक्सेस हो गई। आप देखिए किस तरीके से हम इसका रिजल्ट निकालेंगे, हमें ये कैसे डेरिवेट करना है। तो हम दोनों ट्रायंगल ले लेते हैं, एक बार तो हम ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, ये दोनों, इस ट्रायंगल को, इस ट्रायंगल को ले लेते हैं, और फिर ये दोनों ट्रायंगल ले लेते हैं। तो हमने क्या किया, हमने लिखा सबसे पहले ट्रायंगल MNF, तो हमने लिखा ट्रायंगल MNF एवं ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ में, इन दोनों ट्रायंगल्स में हल करेंगे, तो ये एंगल भी बराबर होंगे। अब देखिए MNF, हमने ट्रायंगल कौन सा लिया MNF, दूसरा ट्रायंगल कौन सा लिया ए डैश बी डैश एफ। तो इन दोनों ट्रायंगल में क्या खासियत है, इन दोनों ट्रायंगल्स में ये खासियत है कि ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन, मतलब ये भाई इसके पैरेलल ये लाइन है, भाई इसके पैरेलल ये लाइन है, यानी कि MN के पैरेलल कौन है, ए डैश बी डैश। MN के पैरेलल कौन हुई, ए डैश बी डैश हुई। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि यहाँ 90 बनना होगा। तो इसका मतलब हुआ MNF, यानी कि एंगल MNF, एंगल MNF बराबर एंगल ए डैश बी डैश एफ बराबर कितने होंगे, 90 होंगे। दूसरी चीज, ये एंगल बराबर होंगे क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है, वर्टिकल अपोजिट एंगल है, तो वर्टिकल अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। तो इसका मतलब क्या, ए डैश एफ बी डैश बराबर एंगल MFN क्यों होंगे बराबर, क्योंकि ये वर्टिकल अपोजिट है। तो हमने लिख दिया वर्टिकल अपोजिट
एंगल आर इक्वल वर्टिकल अपोजिट एंगल आर इक्वल, यानी वर्टिकल अपोजिट एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। फिर ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर हो गया, तो तीसरा वाला भी अपने आप बराबर हो जाएगा। भाई दो एंगल बराबर हो गए, इसका मतलब क्या है? ये तीसरा वाला भी दिखाना चाहो तो दिखा सकते हो। तीसरे वाले का नाम क्या है? ए डैश बी डैश ए डैश एफ, बी डैश ए डैश एफ बराबर किसके होगा? बराबर होगा एफ एम एन के, एफ एम एन के, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल में जब दो एंगल बराबर हो गए तो तीसरा वाला अपने आप बराबर होगा, तो तीसरा वाला अपने आप बराबर हो गया। तो जब तीनों ट्रायंगल तीनों एक जब दोनों ट्रायंगल के तीनों एंगल बराबर हो गए, जब दोनों ट्रायंगल के तीनों एंगल, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, तो इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल क्या है? सिमिलर है। तो लिखेंगे अता माने सो, इसका मतलब सो एम एन ट्रायंगल एम एन एफ सिमिलर ए डैश बी डैश एफ। अब सिमिलर के सिमिलर होने के नियम क्या है? सिमिलर होने का ये तो आधार हो गया। अब इसके आधार पे हम एक फार्मूला बना सकते हैं। क्या फार्मूला बना सकते हैं? माने इस लाइन के अपॉन में इस लाइन, ये वाली लाइन के अब बटे में अगर हम ये वाली लाइन लिखें, इस लाइन के नीचे अगर ये लाइन लिखें, तो इसका रेशियो और इसका रेशियो आपस में बराबर होगा। तो यानी कि एम एन के नीचे कौन आ जाएगा? तो हो जाएगा एम एन अपॉन ए डैश बी डैश ए डैश बी डैश बराबर ए डैश बी डैश हो गया। और फिर क्या आएगा? एफ एन एफ एन एफ एन बटे एफ एन बटे बी डैश एफ बी डैश एफ। अब चूंकि एफ एन, अगर हम कहें कि दर्पण का जो द्वारक है वो छोटा हो तो एन पी के संपाती होगा। यहां लिख दें यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो तो एन पी के एन पी के संपाती होगा। संपाती होगा, संपाती माने उसी पॉइंट पर होगा। अब जब उसी पॉइंट पर होगा तो इसका मतलब क्या हुआ? यानी कि इसका मतलब एफ एन की जगह हम एफ पी लिख सकते हैं और एम एन की जगह एम पी भी लिख सकते हैं। भाई एम एन लिखो या एम पी लिखो एक ही बात हो जाएगी, दोनों में सेम हो जाएगा। तो यहां लिख देंगे हम एम पी, क्या लिख देंगे? एम पी। यहां लिख देंगे एम पी बटे ए डैश बी डैश ए डैश बी डैश ए डैश बी डैश बराबर एफ पी बटे बी डैश एफ बी डैश एफ। इक्वेशन नंबर हो गई वन। अब इसी प्रकार से इधर का पोर्शन हल करेंगे। कौन से ट्रायंगल लेंगे? एबीसी ट्रायंगल एबीसी। अब लिखेंगे अब ट्रायंगल एबीसी एवं ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी ए डैश बी डैश सी। अब इन दोनों में क्या खासियत है? भाई यहां पर ये भी 90 बनना है तो ये लिखेंगे ए बी सी एंगल ए बी सी बराबर एंगल ए डैश बी डैश सी ए डैश बी डैश सी बराबर 90। इसी प्रकार ए सी बी एंगल ए सी बी बराबर एंगल ए डैश सी बी डैश ए डैश सी बी डैश, ये आपस में बराबर होंगे क्योंकि वही शीर्षाभिमुख कोण है। अब तीसरा वाला ही बराबर होगा बी ए सी बी ए सी बराबर एंगल होगा बी ए सी बराबर एंगल होगा सी ए डैश बी डैश सी ए डैश बी डैश, तो तीनों बराबर हो गए। अतः ये दोनों क्या हुए? सिमिलर हो गए। ट्रायंगल ए बी सी
सिमिलर ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी। तो अब फिर से नियम इनमें क्या लगेगा, समरूप का फार्मूला क्या लगेगा, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, तो लग जाएगा ए बी अपॉन ए डैश बी डैश बराबर ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, बी सी अपॉन बी डैश सी, बी सी अपॉन बी डैश सी। अब क्या कर सकते हैं इसमें, अब देखो एक काम इसमें हो सकता है कि ये पैरेलल लाइन है ए ए एम, ए एम जो है वो किसके पैरेलल है, बी सी के भाई, बी एन के या बी पी के, जो ए बी है वो बी पी के पैरेलल है, माने ए एम जो है, ए एम जो लाइन है वो बी पी के क्या है पैरेलल है, चूंकि ए एम पैरेलल टू बी पी, देखो ए एम पैरेलल टू बी पी क्योंकि एन और पी एक ही है, एन का हो या पी एक ही बात है, संपाती है, तो बी पी के पैरेलल है। अब ये पैरेलल होने की वजह से क्या होगा, ये बराबर होंगे, इसीलिए चूंकि इसका मतलब इसीलिए, इसीलिए क्या होगा ए बी बराबर होगा एम पी के, एम पी के। तो ए बी का नाम बदला जा सकता है, ए बी की जगह क्या रखा जा सकता है एम पी, तो यहां पर रख देंगे एम पी, एम पी एम पी अपॉन ए डैश बी डैश बराबर बी सी अपॉन बी डैश सी, समीकरण नंबर दो। समीकरण एक बार दो से, क्योंकि इधर के ये देख रहे हैं आप, इसको थोड़ा साफ लिख दें, देखो ये एम पी अपॉन ए डैश बी डैश, एम पी अपॉन ये तो बराबर है, तो इधर के भी आपस में बराबर होंगे, तो लिखेंगे समीकरण एक बार दो से, समीकरण एक बा दो से, माने इन दोनों की मदद से, इन दोनों की मदद से क्या निकला, एफ पी अपॉन बी डैश एफ बराबर बी सी अपॉन बी डैश सी, एफ पी अपॉन बी डैश एफ, एफ पी अपॉन बी डैश एफ और बी सी अपॉन बी डैश सी। इधर के क्यों नहीं उतारे, ये क्यों नहीं उतारे, क्योंकि ये सेम है तो इन्हें नहीं उतारेंगे, ये वाले उतरेंगे, जो अलग अलग है डिफरेंट है उनको उतारा जाएगा, क्योंकि ये तो सेम है, इन्हें क्या उतारना, तभी तो लिखा है समीकरण एक बार दो से। अब हम क्या करते हैं, एफ पी की वैल्यू देखते हैं, क्या इसमें एफ पी है, तो देखो एफ पी तो है, तो एफ पी क्या है, फोकस है, इधर है, चूंकि इधर की सारी चीजें कायम होती हैं निगेटिव होती हैं, और सारी चीजें इधर की सारी चीजें कायम होती हैं पॉजिटिव होती हैं, तो इसका मतलब इधर की सब दूरियों को हम क्या बार नापेंगे, निगेटिव में नापेंगे, तो एफ पी कैसा होगा, एफ पी होगा माइनस का, एफ पी बराबर होगा माइनस एफ। इसी प्रकार से बी डैश एफ कहाँ है, तो बी डैश एफ, आप बी डैश एफ को क्या लिख सकते हो, बी डैश एफ को आप लिख सकते हो बी डैश पी माइनस एफ पी, देखो भाई बी डैश एफ आ रहा है उसमें, तो बी डैश एफ का मतलब ये टुकड़ा, अब इस टुकड़े को कैसे लिख सकते हो आप, बी डैश पी माइनस एफ पी, तो लिख देंगे बी डैश पी माइनस एफ पी किसके बराबर, बी डैश एफ के, देखो ना भाई ये बी डैश एफ है, अब इस बी डैश एफ को कैसे लिखा जाए, इस पूरे में से इतना घटा दिया, तो बी डैश पी माइनस एफ पी, तो बचेगा तो इतना ही, तो ये लिख दिया। अब बी डैश पी कितना है, बी डैश पी कितना है, बी डैश पी, तो बी डैश पी है ऑब्जेक्ट की दूरी, इसे क्या कहते हैं बी, तो ये क्या का होगा माइनस का बी। अभी होगा एफ पी, एफ पी क्या है फोकस है, फोकस है नेगेटिव, तो ये क्या हो गया प्लस हो गया, तो ये मान हो गया बी डैश एफ का, तो एक मान ये मिल गया एक मान ये मिल गया, ये दोनों मान हमारे लिए जरूरत है, इन इस मान की भी हमारे लिए जरूरत है। अब आया बी डैश बी सी, तो बी सी क्या है, बी सी ये है, बी सी ये है, ये डिस्टेंस है बी सी, ये बी सी है, कैसे निकाला जाए, तो बी सी को निकालने के लिए क्या करो, बी पी में से पी सी घटा दो, बी पी में से पी सी, तो लिखेंगे बी पी माइनस पी सी, बी पी माइनस पी सी किसके बराबर, बी सी की जगह, बी सी जो है, जो बी सी है ये, इसको इसके लिए क्या करा, पी बी माइनस पी सी, पी बी माइनस पी सी कर दिया, पी बी माइनस, अब पी बी कितना है, पी बी है यू, क्योंकि वस्तु की दूरी है, तो पी बी हो गया यू, यू का होगा माइनस का, पी सी कितना है,
पीसी हो गया फोकस का डबल, क्योंकि पीसी जो होता है वो फोकस का डबल होता है, तो पीसी कितना हो गया माइनस का 2f, पीसी हो गया माइनस 2f, तो माइनस 2f का मतलब प्लस 2f, ये हो गया बीसी, ये भी हमारे काम की है, ये हमें चाहिए। फिर क्या आया बीडीसी, बीडीसी क्या है, बीडीसी क्या है, ये डिस्टेंस है बीडीसी, बीडीसी को निकालने के लिए क्या करेंगे, पीसी माइनस बीडीएसपी, पीसी माइनस बीडीएसपी, पीसी माइनस बीडीएसपी, देख लो भाई बीडीएससी है, बीडीएससी माने ये, बीडीएससी माने ये डिस्टेंस, इसको निकालने के लिए करो पीसी माइनस बीडीएसपी, तो पीसी में से बीडीएसपी घटा दिया, पीसी क्या है, पीसी है 2f, बीडीएसपी क्या है, बीडीएसपी है क्या चीज, बीडीएसपी, बीडीएसपी है प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी क्या कहलाएगी, इमेज की दूरी है, इमेज की दूरी क्या कहलाएगी, माइनस का बी, इमेज की दूरी माइनस में होती है तो बी कहलाएगी, बी डैश पी क्या कहलाएगी, बी डैश पी माइनस का बी है, तो माइनस का बी का मतलब प्लस का बी, जैसे ये देखो बी डैश पी है, देखो बी डैश पी सेम आ गया ना, तो ये माइनस का है, अब यही वाला माइनस रखोगे तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया बी डैश सी। तो हमारे पास ये इतने सारे पॉइंट्स आ गए निकल के, कितने आए इसमें, कितने, एक दो, एक दो तीन चार, तो देखो एक दो एक चार पॉइंट है, चार है इसमें, तो एक ये आ गया, एक ये आ गया, एक ये आ गया, एक ये आ गया, चार आ गया, चारों इसमें रख दे रहे हैं, तो लिखेंगे सभी मान समीकरण तीन में रखने पर, इसे समीकरण तीन कह दो, तो लिखेंगे सभी मान, मान समीकरण तीन में रखने पर, समीकरण तीन में रख रहे हैं, तो समीकरण तीन क्या है, एफ पी, एफ पी की जगह क्या लिखोगे, माइनस एफ, फिर क्या है बी डैश एफ, तो बी डैश एफ की जगह क्या लिखोगे, माइनस बी प्लस एफ, माइनस बी प्लस एफ, बी सी की जगह क्या लिखोगे, माइनस यू प्लस टू एफ, बी डैश सी की जगह क्या रखोगे, माइनस टू एफ प्लस बी। अब क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन यहां करेंगे तो ये हो जाएगा टू एफ स्क्वायर, क्या हो जाएगा टू एफ स्क्वायर, ये हो जाएगा एफ बी, हो गई गुणा, फिर करेंगे यू बी, भाई यू बी हो गई, अब इसकी गुणा इसमें हो गई, इसकी गुणा इसमें करेंगे तो टू एफ बी हो जाएगा, टू एफ बी हो गया, इसकी गुणा इसमें करेंगे तो यू एफ हो जाएगा, इसकी गुणा इसमें करेंगे तो टू एफ स्क्वायर हो जाएगा, टू एफ स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इक्वल है, और इक्वल टू के इधर भी और उधर भी है, और प्लस के साइन है दोनों तरफ, सेम साइन है, तो इसलिए कट जाएगा, ये क्या बचेगा हमारे पास, ये बचेगा एफ बी, एफ बी बचेगा, तो इस एफ बी को ये जो टू एफ बी है इधर ले आए, तो टू एफ बी और प्लस ये माइनस का हो गया एफ बी, तो ये वाला ये जो है इधर ले आए और ये इसके साथ लिख दिया, अब ये जो यू एफ है ये वाला इधर ले आए तो ये प्लस का हो जाएगा, अब हमारे पास क्या बचा यू बी बचा, अब ये टू एफ बी है ये सिंगल है, ये डबल है, ये सिंगल है, घटा दो तो एफ बी बचेगा, ये बचेगा यू एफ और ये बचेगा यू बी, अब पूरी समीकरण को, पूरी समीकरण को यू बी एफ से भाग देने पर, भाग देने पर, तो इसके नीचे यू बी एफ लिख देंगे, एफ बी अपॉन यू बी एफ, इसे भी लिखेंगे, इसे भी लिखेंगे यू एफ अपॉन यू बी एफ, यू बी अपॉन यू बी एफ, यू बी एफ, अब देखिए क्या क्या कटेगा, देखो बी से बी
एफ बी और एफ बी कट गए तो वन अपॉन यू बचा, यू कट गए एफ कट गए तो वन अपॉन बी बचा, यू बी कट गए तो वन अपॉन एफ बचा। अब हम इसको इस तरीके से लिख देते हैं, ये पहले लिख देते हैं, ये वाला लिख देते हैं और ये वाला लिख देते हैं। तो देखो आप इन तीनों में संबंध स्थापित करने में कंप्लीट हो गया, ये संबंध स्थापित हो गया। देखो यही तो लाना था, वन अपॉन एफ वन अपॉन यू वन अपॉन बी, इस तरीके से हम इसका निगमन करेंगे। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है, बहुत बार पूछा गया है बोर्ड में, तो थैंक यू वेरी मच।